पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार खालिद अनम ने कराची के इलाके कारसाज में चार रोज कबल गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत के मामले पर दिल को छू लेने वाली नज़म पेश कर दी है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस वाकये को लापरवाही का नतीजा करार दे दिया है और साथ ही कहा है कि वाकये की असल हकीकत तहकीकात के बाद सामने आएगी। इन्होंने वीडियो में बताया कि इस वाकये पर अवाम के रद्द अमल को एक नज़म के रूप में ढालने की कोशिश की है। अदाकार और गुलकार ने यह भी बताया है कि अवामी रद्देअमल इस वाकये की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के कमेंट से लिए गए हैं। बाद अज़ां खालिद अनम ने वीडियो में इस नज़म के चंद अशार भी पढ़कर सुनाए। खालिद अनम के कलम से अल्लाह बड़ा कारसाज के उन्वान से लिखी गई नज़म के अशार कुछ यूं हैं। सस्ती तो नहीं थी मेरी गाड़ी किसी जान से, इस बात का करता नहीं क्यों कोई भी एहसान, मारा गया गरीब जो गुर्बत भी तो मरी, एहसान फरामोश हैं परवरदा अफलास, क्या सोच कर सड़क के बीच जा रहे थे वो, हेलमेट तलक तो नहीं थी दुख्तरे पदर के पास, रहते नहीं क्यों अपने इलाके में ये गरीब, आते हैं किस लिए यहाँ करने वो चुप और रास, कीड़े हुदूद से अपनी जब भी बाहर आएंगे, यूं ही कुचल कुचल के वो मारे जाएंगे। साथ ही अनम खालिद ने अवाम की सोच पर अफसोस का भी इजहार किया है और मरहूमीन के हक में मगफिरत और जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की है।